बंकर नहीं बनते थे, जाने चली जाती थी, मवेशी मारे जाते थे, पशुधन मारा जाता था, कोई मुआवजा नहीं मिलता था। 50,000 रुपया एक भैंस मारे जाने पर और संख्या सीमित करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान हुआ है और राष्ट्रपति शासन में, राज्यपाल शासन में वो कंटिन्यू हुआ। लगभग 15,000 बंकर बनाने का फैसला हुआ है। हमारे लिए सीमा पर रहने वाले एक एक व्यक्ति की जान का अमूल्य जान है, इसका बहुत महत्व है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, मैं आंकड़ों के साथ इसको सिद्ध कर सकता हूं। जम्मू और लद्दाख के क्षेत्र की अवज्ञा की जाती है, हमने अवज्ञा किसी की नहीं की, किसी का नहीं छीना है, मगर जिसका अधिकार था उसका अधिकार उसको पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बात किया। और माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष जी, इसके कारण जम्मू क्षेत्र के अंदर, लद्दाख के क्षेत्र के अंदर एक पहली बार जनता संतोष का अनुभव करे। कोई भी वर्षों से लंबी मसले थे, मैं देश के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री जी को सदन पर रिकॉर्ड पर अभिनंदन देना चाहता हूं कि पहली बार एक साल के अंदर ये सभी मसलों को एड्रेस किया गया, ज्यादातर मसलों को निपटा दिया गया। जम्मू और कश्मीर में के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी दिनांक 19 दिसंबर 2018 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 3 जुलाई 2019 से 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है। ये राष्ट्रपति महोदय के शासन में और राज्यपाल महोदय के शासन में करीब करीब एक साल की अवधि के अंदर जम्मू और कश्मीर में बहुत समय के बाद पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया। देश के रक्षा मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री यहां पर बैठे हैं, एक साल के अंदर आतंकवाद की जड़ों को, आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ने के लिए, उनकी जड़ों को हिलाने के लिए और सभी तरह के इनके तौर तरीकों को नस्यत करने के लिए इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।